370 धारा की बात है कि ये भारत सरकार ने इसको हटा दिया था, मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी है, तो इसका हम समर्थन करते हैं। 370 धारा हटने के बाद से लेकर के अब तक वहाँ पर आतंकवादी घटनाएं भी बहुत कम हुई हैं, बराए नाम हुई हैं। कांग्रेस के लोग जरूर अपनी पॉलिटिक्स देख रहे हैं, राजनीति देख रहे हैं, मगर देश हित को देखना चाहिए। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर को अहम फैसला सुनाया, जिसमें कोर्ट ने आर्टिकल 370 को खत्म करने वाले भारत सरकार के 5 अगस्त 2019 के फैसले को सही माना है। कोर्ट ने कहा कि संसद और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 पर फैसला लेने का अधिकार था। देश की सबसे बड़ी अदालत ने यहाँ तक कहा कि भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर संप्रभु राज्य नहीं रहा। इस फैसले को विपक्ष की उन पार्टियों, खासकर कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है, जिसने भारत सरकार के फैसले का विरोध किया था। तो वहीं कोर्ट के इस फैसले को लेकर बरेली से मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की प्रतिक्रिया सामने आई है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, इस बात को सभी जानते और मानते हैं। हालांकि कुछ कट्टरपंथी विचारधारा के लोग इसे नहीं मानते और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वो समर्थन करते हैं। देखिए, कश्मीर हिंदुस्तान का अंग है और ये अटूट हिस्सा है हिंदुस्तान का, और हमेशा इस बात को हम कहते आए हैं। और बाकी कट्टरपंथी विचारधारा के लोग इस बात को नहीं मानते हैं, मगर एक दिन वो आएगा कि वो भी इस बात को तस्लीम करने लगेंगे। जहाँ तक 370 धारा की बात है कि ये भारत सरकार ने इसको हटा दिया था, मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी है, तो इसका हम समर्थन करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। एक ये बहुत अच्छा फैसला है, और चूँकि 370 से कोई नुकसान नहीं है, हटा देने से कोई नुकसान नहीं, बल्कि वहाँ पर जनकल्याण के काम बड़ी तेज़ी से हुए हैं, डेवलपमेंट के काम हुए हैं, रोड बने हैं और सुरक्षा वहाँ जो है बहुत ज़्यादा तरीके से इस भारत सरकार ने बनाई है। इतना ही नहीं, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सरकार का समर्थन करते हुए ये भी कहा कि जब से सरकार ने कश्मीर से धारा 370 को खत्म किया है, तब से वहाँ विकास तो हुआ ही है, साथ ही आतंकवाद पर भी लगाम कसी गई है। पहले आतंकवादी घटनाओं को कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता था। 370 धारा हटने के बाद से लेकर के अब तक वहाँ पर आतंकवादी घटनाएं भी बहुत कम हुई हैं, बराए नाम हुई हैं, जबकि उससे पहले से, बहुत पहले से आतंकवादी घटनाएं बड़ी तेज़ी से हुआ करती थी और उस पर कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल था। मगर 370 हटने के बाद में आतंकवादी घटनाओं पर काफ़ी कंट्रोल हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, और मैं उनके फैसले का स्वागत करता हूं और भारत सरकार के हटाए जाने वाले फैसले का समर्थन करता हूं। उन्होंने कांग्रेस के इस फैसले के विरोध करने पर कहा कि इसे अस्थायी तौर पर लागू किया गया था तो दूसरी सरकार ने आकर इसे हटा दिया। कांग्रेस का इस पर एतराज करना गलत है, कांग्रेस सिर्फ इसमें अपनी राजनीति देख रही है। 1945 में जब धारा 370 लागू की गई तो उसमें एक परिभाषित एक भाषा थी, अगर एक्ट पढ़ेंगे, कानून पढ़ें, तो उसमें था कि आर्जी तौर पर यानी टम्परेरी तौर पर 370 की धारा लागू की जाती है। तो जब टम्परेरी थी तो दूसरी गवर्नमेंट ने आ करके उसको हटा दिया, तो टम्परेरी चीज़ें तो हमेशा हटती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, तो इसलिए अब उस पर कोई इतराज़ नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस के लोग ज़रूर अपनी पॉलिटिक्स देख रहे हैं, राजनीति देख रहे हैं, मगर देश हित को देखना चाहिए। सबसे बड़ा जो है, राजनीतिक से सबसे बड़ा वो देश हित है, देश की फलाह बहबूद, देश की तरक्की के लिए सोचना चाहिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कहा कि भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर संप्रभु राज्य नहीं रहा और आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने की और राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल करने की बात कही है।